तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है क्या, एल्कीन्स। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन मेथड्स बनाने की विधियां डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पर एल्कीन्स के जो रासायनिक गुण हैं उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, एल्कीन्स जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा क्रियाशील यौगिक है। मतलब आपने एल्केन देखे, वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, एक सामान्य जो अभिकर्मक हैं उनसे कोई रिएक्शंस नहीं करते। ऐसे जब आप एल्काइन्स में जाओगे तो वो भी कम क्रियाशील हैं, क्योंकि उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और उनमें sp हाइब्रिड कार्बन है जो काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिससे बॉन्ड काफी टाइट होता है। केवल एल्कीन्स ही ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं, क्योंकि इनमें जो पाई बॉन्ड है ना बच्चों, उसकी वियोजन ऊर्जा काफी कम है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है, और जो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटाइन, एल्किल कार्बोकैटाइन, जो काफी स्टेबल होता है। तो ये सारे रीजन हैं जो एल्कीन को काफी रिएक्टिव बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड की वियोजन ऊर्जा कम एवं एक अच्छा इलेक्ट्रॉन स्रोत होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो एल्कीन्स की रिएक्शंस हैं मैक्सिमम, उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है अभिकर्मक ही इस पर ज्यादातर अटैक करता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और पहला है इनमें जैसे हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। तो देखो, हाइड्रोजनीकरण मीन्स एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है तथा एल्केन बनते हैं। मतलब हाइड्रोजनीकरण मीन्स एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग। अब चूंकि हाइड्रोजन खुद रासायनिक रूप से क्रियाहीन होता है, निष्क्रिय होता है, इसलिए हाइड्रोजन के एटम्स को एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जोड़ना, इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो एल्कीन में जब हाइड्रोजनीकरण होगा तो किसी उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, और एल्कीन सैचुरेट होके क्या बना लेते हैं बच्चों, एल्केन। इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी, या ठीक है, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। ओके, तो बात समझ गए ना कि हाइड्रोजनीकरण मीन्स एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग होना, और इस तरह से एल्कीन असंतृप्त यौगिक से एक संतृप्त यौगिक, एक सैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। इसमें जो हीट निकलती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी। ठीक है, जैसे यहां देखो, ये है डबल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। यहां पर मैंने जो ये एनर्जी लिख दी 40 किलो जूल, ये बॉन्ड एनर्जी है सी डबल बॉन्ड सी के, ठीक है, पाई बॉन्ड की, किसकी बच्चों, पाई बॉन्ड की, जो कि 40 किलो जूल पर मोल है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड टूटा, और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो टोटल कितनी हो गई, देखो, डिसोसिएशन एनर्जी, ये हो गई टोटल डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इस रिएक्शन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ये हो गई 144 किलो कैलोरी, मतलब एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, मतलब एक मोल हाइड्रोजन की। अब निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब योग हुआ तो इसमें जो हीट निकलेगी, एक्चुअल जो हीट चेंज आएगा वो कितना होगा, तो देखो, एक CH बंध निर्माण में उत्सर्जित ऊर्जा होती है -87, तो दो बने तो हो गई -174 किलो कैलोरी। ठीक है, तो लगी कितनी एनर्जी, 144 किलो कैलोरी पर मोल, और निकल कितनी गई, -174 किलो कैलोरी। तो जो डिफरेंस आ गया ये -30 किलो कैलोरी पर मोल का, एक्चुअली यही है क्या बच्चों, एक पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनीकरण की इंथैल्पी।
मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 30 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ब्रेक मतलब रिलीज होगी। तो ये है, इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है कि दो पाई बॉन्ड हैं, तीन हैं, तो वो कितनी एनर्जी होगी। अगर उनमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, उन पाई बॉन्ड्स में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसी को मल्टीप्लाई करते जाए, मतलब डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन नहीं है डबल बॉन्ड्स में, तो जितने भी डबल बॉन्ड्स रिड्यूस होते जाएंगे बच्चों, इतने में इसमें मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो करता है, जैसे बेंजीन में या ब्यूटाडाइन सिस्टम में, तो एक्चुअल में जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकलेगी, बल्कि कम निकलेगी। तो वो जो डिफरेंस आ जाएगा ना एनर्जी का, वो रेजोनेंस एनर्जी के बराबर होता है। इस बेस पर हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी से हम अनुनाद ऊर्जा निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन में तीन डबल बॉन्ड है, तो तीन की हो गई 90 किलो जूल माइनस, इतनी निकलनी चाहिए। और मान लो एक्चुअल में आपने हाइड्रोजनीकरण कराया बेंजीन का, और मान लो वो 70 किलो जूल निकल रही है, तो वो जो 20 किलो जूल का डिफरेंस आ गया ना, वही क्या होगी बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। तो इस तरह से बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकाली गई है हाइड्रोजनीकरण मेथड से। तो यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए आप कि डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का योग होना, एल्केन बनना, उष्मा उत्सर्जन इसीलिए होता है क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटने और एक हाइड्रोजन के एक मूल बॉन्ड के टूटने में जो एनर्जी लग रही है एक्चुअल में, उससे कहीं ज्यादा दो CH बॉन्ड बनने में निकल रही है, और इसीलिए हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी निगेटिव हो जाती है। तो यह है हमारा हाइड्रोजनीकरण के बारे में। अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन का योग जो होता है बच्चों, वो समपक्ष होता है, संयोग, सिन एडिशन कहलाता है। समपक्ष का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के किसी एक फेस से जुड़ते हैं, मतलब ये जैसे दिख रहे हैं तो एक यहां से जुड़ेगा और एक यहां से, और कुछ समय के लिए इस तरह से चार इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड बन गया दोनों के बीच में, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और फिर बाद में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहां से, और इस तरह से दो CH बॉन्ड का निर्माण हो गया एक ही पक्ष से। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का योग जो है एक ही पक्ष से हो रहा है, तो एडिशन का जो रेट है ना बच्चों, वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो एक पक्ष है इनका हाइड्रोजन जहां एल्कीन का, वो कितना क्राउडेड है। अगर कम क्राउडेड है, कम घिरा हुआ है, कम त्रिविम बाधा है, तो हाइड्रोजनीकरण तेजी से होगा, और ज्यादा त्रिविम बाधा है तो हाइड्रोजनीकरण कम वेग से होगा। और अच्छे से समझना है तो हाइड्रोजनीकरण का वेग व्युत्क्रमानुपाती है एल्कीन का स्थायित्व या अति संयुग्मित हाइड्रोजन। ये भी बता दूं कि हाइड्रोजनीकरण का जो वेग है वो एल्कीन के स्थायित्व पे डिपेंड करता है, एल्कीन ज्यादा स्थायी है तो ध्यान रखें हाइड्रोजनीकरण कम होता है, और हम जानते हैं कि एल्कीन का स्थायित्व तो समानुपाती होता है अति संयुग्मित हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अति संयुग्मित हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्थायी होगा एल्कीन। और दूसरा ये है बच्चों कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप आप लगा दोगे, वहां पर उतना ही ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन का सिन एडिशन रुक जाएगा। तो इस वेस पर अगर हम देखें कि ये है एल्कीन, ठीक है, कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन नहीं है, सबसे कम स्थायी एल्कीन है। फिर एक हाइड्रोजन हटके एक मिथाइल ग्रुप आ गया है, तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो गए, इसमें छह हो गए, इसमें भी छह है। लेकिन देखो बच्चों कि ये वाली जो एल्कीन है ना, यहां गलत निशान लगा है, कि पहले वाली जो एल्कीन है ये वाली और ये वाली एल्कीन है, दोनों की स्थायित्व में अंतर क्यों है, जबकि दोनों में अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन इसमें हाइड्रोजनीकरण कम वेग से चलता है और इसमें हाइड्रोजनीकरण मतलब इसमें ज्यादा चल रहा है और इसमें कम वेग से, मतलब ये में हाइड्रोजनीकरण के वेग का ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे फास्ट एथाइलीन में, फिर प्रोपीन में, ठीक है, फिर इस तरह से ब्यूटीन में हो रहा है। लेकिन ये दोनों में देखो आप, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर हैं, फिर भी इनके हाइड्रोजनीकरण का रेट अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये वाली जो एल्कीन है वो कम स्थायी है और ये वाली ज्यादा है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर है। तो रीजन ये बता दूं बच्चों
कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, अगर हम पहले वाली इस वाली में बात करें, तो आप देखोगे कि इसमें जो ये हाइड्रोजन जब इधर आएगा, मतलब ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो क्या बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच माइनस और यहाँ आर। आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी एनाइन है, क्या है, सेकेंडरी एनाइन। और सोचो कि इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, कि ये हमारे पास ये है सी एच थ्री डबल बॉन्ड और ये है सी एच टू, तो अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना डबल बॉन्ड, मतलब ये तो प्लस में रहेगा एच, है ना, यहाँ पर भी ये प्लस और यहाँ हो गया एक सी एच थ्री और यहाँ देखो आप निगेटिव चार्ज इस कार्बन में जाएगा और ये कौन सा है वन डिग्री एनायन, इसलिए ये वाला एनायन ज्यादा स्थायी होगा और ये वाला एनायन कम स्थायी होगा। तो ये वाली जो एल्कीन है आप देख रहे हैं, ये वाली एल्कीन कहीं ज्यादा स्थायी होगी, समझ गए ना, और इसी के कारण ही आप देख रहे हैं इसका हाइड्रोजनीकरण वेग कम है और इसका हाइड्रोजनीकरण वेग ज्यादा है। और ज्यादा मिथाइल ग्रुप जोड़ के जाओगे तो आप देख रहे हैं लगातार हाइड्रोजनीकरण कम हो रहा है, मींस हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि एल्कीन का एक तो स्थायित्व भी बढ़ रहा है, दूसरा है डबली बॉन्डेड कार्बन में बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं हाइड्रोजन हट के, तो वहां पर एक त्रिविम बाधा तो आएगी, हाइड्रोजन का सिन एडिशन को रोकते हैं वो, तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से आप इनके हाइड्रोजनीकरण का वेग या हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी का ऑर्डर डिसाइड करना। इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि चार एल्कीन लिखी है, उसमें लिखा होगा बताएं इसमें हाइड्रोजनीकरण का वेग क्या होगा, तो इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से मान लो एक एल्कीन ये है, एक ये है और एक ये है, है ना, तीनों में देखा जाए तो एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी है एच ओ एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो फर्स्ट वाले में हो, क्यों, क्योंकि ये उतनी ज्यादा स्थायी एल्कीन नहीं है जितनी ये दोनों है। अब ये दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ये ज्यादा हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी शो कर रही है, तो ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, सिस कम स्थायी होती है, ट्रांस थोड़ी ज्यादा स्थायी होती है क्योंकि बड़े बड़े समूह अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक इसी तरह से अगर हम इसमें जाएं तो इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन चार है, इसमें चार है, इसमें भी चार है लेकिन इसमें रेजोनेंस भी है, तो हाइपर कॉन्जुगेटेड दोनों में बराबर है लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा इसमें नहीं होगा, और इसमें चले जाए तो एक भी हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन नहीं है ना ही रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी लास्ट वाले की होगी। इसी तरह से आप इन पे भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सबसे स्थायी है, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन छः और चार दस हैं, इसमें चले जाएं तो एक और एक दो हैं, इसमें चले जाएं तो तीन ही हैं, मतलब दो और दो चार और एक पाँच हैं, जबकि आप इसमें चले जाएं तो एक और तीन ही हैं, तो जितनी कम एल्कीन स्थायी होगी उतना ही ज़्यादा उसका हाइड्रोजनीकरण होगा और उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ, हाइड्रोजनीकरण का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए समपक्ष योग है हाइड्रोजन का, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे इसी तरह से मान लो लिखा है सी एच थ्री एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री और एच, और मान लो यहां ड्यूटेरियम का एडिशन करा दे, है ना, तो ड्यूटेरियम का एडिशन होते ही क्या बनेगा सी एच एच, हम जानते हैं समपक्ष योग हो जाएगा, और समपक्ष योग जब होगा तो ये जो कंपाउंड बन गए वो बन गया क्या बच्चों मीजो, मतलब सिस एल्कीन सिन एडिशन तो मीजो, और ट्रांस एल्कीन सिस एडिशन तो रेजोनेंस बनता है, मतलब अगर मैं यहां पर ट्रांस एल्कीन ले लूं और ड्यूटेरियम का योग करा दूं तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, मतलब अगर हम यहां पर ऐसे समझ जाएं कि ये लिखा है सी एच थ्री एच, ठीक है डबल बॉन्ड और ये है यहां पर एच और ये है सी एच थ्री, अब आप डी और डी ऐड करोगे तो एक इस खाली जगह पर जोड़ दो एक इस पर, तो यहां पर आप देखोगे कि आपके पास एक डी ऐसा जुड़ा दिखेगा एक डी ऐसे, तो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक इसका मिरर इमेज होगा और इसलिए हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बनेगा, तो ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन तो रेजोनेंस रेसमिक मिक्सचर, सिस एल्कीन सिन एडिशन
तो मीजो। तो हम डी को लेके समझा सकते हैं ड्यूटेरियम को, एच टू में लेंगे तो इस तरह की कोई अंग या कायरल कार्बन नहीं बनेगा। तो इसमें दो कायरल कार्बन है और इनका एक दूसरे का ये दो हिस्से बांट दो तो इसमें मिरर प्लेन दिख रहा है, इसीलिए ये एक क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो फॉर्म है और वो ऑप्टिकली। फिर हम आ जाते हैं, यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो एल्कीन की जो सबसे कॉमन रिएक्शन है, जो सबसे ज्यादा मिलती है, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है और एक अच्छा इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही धनावेश समूह आता है तो आसानी से पाई बॉन्ड में चिपक जाता है और उसे तोड़ के और फिर जुड़ जाता है। इसलिए एल्कीन पर अगर कोई अभिकर्मक लाते हैं तो एल्कीन पर पहले अभिकर्मक का धनात्मक भाग अटैक करता है, ना कि ऋणात्मक। क्यों नहीं करेगा ऋणात्मक? क्योंकि ऋण में जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल में तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के पास जाएगा क्यों पंगा लेने, सीधी सी बात है ना, वही जाएगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो पहले कौन अटैक करता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। और यही रीजन है कि पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इसलिए हम एल्कीन में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक योग अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के योग से प्रारंभ होती है तथा कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। मतलब कार्बन पर पहले कौन अटैक कर रहा है? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही योग, जो कि हम कार्बोनाइल यौगिकों में देखेंगे नाभिक स्नेही योग। इसके अलावा कुछ एल्काइंस में भी मिलेंगी। अभी यहां पर हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होगा, फिर कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनेगा और फिर जाके आगे रिएक्शन चलते। तो ये है एल्कीन, ये है डबल बॉन्ड, ये आया एक अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक में हमेशा ध्यान रखें दोनों पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही। अभिकर्मक का कौन सा हिस्सा पहले डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, इसी बेस पर अभिक्रियाओं का योग जो है बांटा गया है। और एक इनमें चूंकि पहले नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होता है और एक कार्बोकैटायन बनता है, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा और ये पाई बॉन्ड इसको जोड़ देगा। ध्यान रखें यहां पर प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ध्यान रखें कि जब पाई बॉन्ड टूटे और उसमें इलेक्ट्रोफाइल खुद जुड़ जाए तो इस तरह के पाई बॉन्ड का वियोजन कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और अगर पाई बॉन्ड टूटे और उससे अभिकर्मक ना जुड़े, मतलब न्यूक्लियोफाइल तो नहीं जुड़ सकता ना, तो उसे बोलते हैं फिर ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो एल्कीन में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव होगा, और ये इससे भी याद कर लेना, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आता है ना क्वेश्चन, आपको चार रिएक्शन लिखी होंगी, इसमें लिखा होगा कि बताएं किसमें प्लस ई इफेक्ट दिख रहा है, मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो वो मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही योग में। और लिखता है कि माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां दिख रहा है, तो हमेशा नाभिक स्नेही योग में, जो कि सीओ समूह में कार्बोनिल समूह में दिखता है। तो यहाँ पाई बॉन्ड का टूटना और इलेक्ट्रोफाइल का एड होना ये एक स्लो स्टेप है और यही आरडीएस है। और इस तरह से यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन बनता है, फिर कार्बोकैटाइन में अगला जो जो उसमें से न्यूक्लियोफाइल फ्री हुआ था वो अटैक करता है, इस तरह से जुड़ जाता है और ये बन गया हमारा उत्पाद। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड ये है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है HCl, तो पहले H जुड़ गया, ये कार्बोकैटाइन बना, फिर इसके बाद क्लोराइड जुड़ गया और उत्पाद बन गया। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही योग है इसका वेग डिपेंड करता है कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर। जैसे हाइड्रोजनीकरण में वेग देखा आपने, यहां पर कार्बोकैटायन मध्यवर्ती है, कार्बोकैटायन जितने जल्दी बनेगा, जितना स्टेबल होगा उतने जल्दी बनेगा, और जितने जल्दी बनेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योग उतने जल्दी होगा।
तो यहां पर मैंने यही लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग का वेग समानुपाती है कार्ब कैटाइन का स्थायित्व, और कार्ब कैटाइन का स्थायित्व तो मेनली देखना है एल्किल कार्ब कैटाइन में मेनली, तो वो अति संयुग्मित हाइड्रोजन के समानुपाती होगा। हमें यहां पर ज्यादातर कार्ब कैटाइन के स्थायित्व तो एल्कीन पर योग देखना है, तो हमें यहां देखना है कि जिस कार्बन पर धनावेश आ रहा है उसकी अल्फा स्थिति में कितने ज्यादा क्या है हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्थायी कार्बो कैटाइन बनाएगा और रेट इलेक्ट्रॉन स्नेही का उतना ज्यादा चलेगा। जैसे यहां देखो एथीन है 1 डिग्री कार्ब कैटाइन बनेगा। अगर हम प्रोपीन में जाएं तो यहां पर ये जो CH है, देखो जैसे ही इसका इंडक्टिव फैक्ट पड़ेगा ये पाई बॉन्ड ऐसे खिसकेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सेकेंडरी कार्बो कैटाइन बनेगा। यहां पर भी सेकेंडरी है, तो यहां पर अगर आप चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, है ना, तो यहां पर कार्बो कैटाइन जो है सेकेंडरी बनेगा, और हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो ये है CH3CH CH2। फिर इसके बाद आ गए हम यहाँ पर CH3CH, तो इस तरह से चाहे इस कार्बन में हो चाहे इसके योग का वेग दोनों में फटाफट मतलब जल्दी योग हो जाएगा। और इसमें चले जाए तो आप देखो यहाँ पे कार्बो कैटाइन अगर बनेगा तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बो कैटाइन के आसपास होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे लिखा है CH2, ठीक है, यहाँ पर कि ये है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH, ठीक है ना, अगर इसमें H प्लस अटैक करे तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो ये है और यहां हो जाएगा CH2 और यहां CH3, तो यहां कितने दिख रहे हैं 5। इसका मतलब है इससे ज्यादा वेग इसमें हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा बता तो, क्योंकि जब इसमें प्रोटॉन जुड़ेगा तो CH3CH ये हो गया और यहां क्या आ जाएगा CH3, तो यहां कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, तो इससे ज्यादा रेट इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें, क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बो कैटाइन बन जाएगा। और चले जाने तो इसमें भी टर्सरी कार्बो कैटाइन बनेगा और इसमें भी टर्सरी कार्बो कैटाइन बनेगा, लेकिन इनमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि इनमें जो रेट है, दूसरा ये है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इस तरह से एल्कीन में जो रिएक्टिविटी दिखेगी आपको कार्बोकैटाइन की, वो सॉरी एल्कीन की, वो इस तरह से ध्यान रखना है, जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन उतना ही फास्ट ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग कार्बोकैटाइन के स्थायित्व पर डिपेंड कर रहा है और कार्बोकैटाइन का स्थायित्व एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग का वेग हाइड्रोजनीकरण वेग के जस्ट उल्टा है, क्योंकि वहां कोई कार्बोकैटाइन का स्थायित्व नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस, पहली है हाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन और हैलोजन का जुड़ना, तो जब एल्कीन पर हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़ेगा तो एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे, मतलब एल्कीन पर हैलोजन हैलोजन अम्ल के योग से एल्काइल हैलाइड बनते हैं, कि जैसे यहां पर HCl HBr HI किसी का भी योग कर दो, इस तरह से एल्काइल हैलाइड बनेंगे। अब देखो बच्चों, लेकिन अगर ये तो सममित एल्कीन थी तो आप किसी में भी हाइड्रोजन जोड़ दो किसी में भी हैलोजन जोड़ दो, बात क्लियर है कि एक सममित एल्कीन में आप किसी में भी हाइड्रोजन जोड़ दो और किसी में भी हैलोजन जोड़ दो, लेकिन यहां पर ऐसी कोई एल्कीन आ जाती है जो असममित है, विसममित, बल्कि हम असममित ना कह के विषमित बोले, असममित तो वो है जिसमें काइरल कार्बन होता है, और विषमित का मतलब है ऐसी एल्कीन जिसके दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, मतलब दो हिस्सों में ना बट सके, तो विषमित एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन जो है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक योग करता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर योग करता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, मतलब ये है कि विषमित एल्कीन पर अगर आप हैलोजन अम्ल का योग बता रहे हैं तो आपको मार्कोनिकोव नियम याद रखना होगा,
वैसे ही बता दूं, एल्कीन पर कोई भी विषमित एल्कीन पर ना इलेक्ट्रॉन स्नेही योग बताना है, चाहे वो जल का हो, चाहे हैलोजन अम्ल का हो, चाहे HOCl का हो, चाहे NOCl का हो, चाहे H2SO4 का हो, वो मार्कोनी कॉब नियम को फॉलो करेगा। और ये इसने ये कहा है कि विषमित एल्कीन पर जब आप इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक डालेंगे तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर योग करेगा जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि दूसरा उत्पाद नहीं बनेगा, ये बनेगा अधिक मात्रा में, समझिए ना, मतलब मुख्य उत्पाद है ये। क्या है बच्चों? मुख्य उत्पाद। और एक और बन सकता है और वो है CH2CH2Cl, और ये अल्प मात्रा में बनेगा, मतलब ये गौण है, गौण मतलब होगा माइनर है, और ये क्या है बच्चों? मेजर है, इस तरह से। तो ये ज्यादा क्यों बना, यही मार्कोनी कॉब रूल बताता है। अब देखो बच्चों, इसकी मैकेनिज्म से हम समझ सकते हैं कि ये वाला अधिक क्यों बना और ये कम क्यों बना। क्यों बना? देखो, जैसे आपने हैलोजन अम्ल लिया, वो ब्रेक हुआ H प्लस और X माइनस पर, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है ये, तो पहले H प्लस अटैक करेगा, और इस तरह से दो प्रकार के कार्बोकैटाइन संभव है, एक ये कार्बोकैटाइन भी संभव है और एक कार्बोकैटाइन ये भी संभव है ना। लेकिन ये बहुत ही कम स्थायी है, ये क्या होगा बच्चों? कम स्थायी, क्योंकि ये 1 डिग्री है, और ये अधिक स्थायी है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन मतलब अगर मान लो 100 एल्कीन ली गई है प्रोपीन, तो मान लो उसमें से 80% ये वाले बन गए 2 डिग्री और 20% केवल ये बने, तो इसीलिए इसमें जब फिर हैलोजन अटैक करेगा तो ये ज्यादा बन जाएगा और ये कम बन जाएगा, तो इसीलिए ऐसा इफेक्ट पड़ता है। मतलब मार्कोनी कॉब रूल इसीलिए लग रहा है बच्चों, क्योंकि ये कार्बोकैटाइन के स्थायित्व से जुड़ा है। तो ये है मार्कोनी कॉब रूल। कार्बोकैटाइन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पुनर्विन्यास या बलय विस्तार कर सकता है। ध्यान रखें, अगर हमें किसी एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग दिखाना है तो 3 चीजें ध्यान रखनी है बच्चों। एक, अगर वो विषमित सममित है एल्कीन, ठीक है, तो फिर कोई नियम की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर वो विषमित है तो आपको मार्कोनी कॉब रूल देखना है। उससे पहले मार्कोनी कॉब रूल में क्या स्थायी यौगिक बनेगा, उससे पहले हमें एक पुनर्विन्यास को भी देखना है। अगर कार्बोकैटाइन में हाइड्राइड माइग्रेशन होता है, ठीक है, 1-2 हाइड्राइड माइग्रेशन, कौन सा? 1-2 हाइड्राइड या एल्किल, ठीक है, माइग्रेशन अभिगमन होता है और एक ज्यादा स्थायी कार्बोकैटाइन बन रहा है, तो ध्यान रखें वहां मार्कोनी कॉब रूल नहीं लगाना। फिर आप उसमें हाइड्राइड माइग्रेशन करने के बाद बने हुए कार्बोकैटाइन पर योग कराना है नाभिक स्नेही का। अब देखो यहां पर अगर हम इस एल्कीन की बात करें, एच प्लस जुड़ा, तो रूल के अनुसार जो है हॉफमैन रूल के अनुसार, सॉरी, जो अभी आपने देखा मार्कोनी कॉब रूल के अनुसार, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर तुरंत हैलाइड अटैक कर दे, लेकिन यहां से आप देख रहे हैं कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, इस 2 मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन में जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन अगर यहां माइग्रेट हो जाए तो ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाएगा, जबकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, कम स्थायी है। तो 1-2-1 मतलब होता है जहां से हाइड्रोजन आ रहा है और जहां जा रहा है वो होगा 2, तो ये हाइड्राइड H माइनस जाता है, इसीलिए बोलते हैं हाइड्राइड माइग्रेशन, और ये 3 डिग्री में चेंज हो गया। ध्यान रखें हाइड्राइड माइग्रेशन तभी होगा जब ज्यादा स्थायी कार्बोकैटाइन बन रहा हो, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री। दूसरा, 1-2 पोजीशन में ही होगा। तीसरा, अगर 1-1 में या 2-2 कार्बोकैटाइन ही बनते हैं तो ऐसा माइग्रेशन मतलब का नहीं होगा। और इस तरह से अब नाभिक स्नेही यहां पर अटैक करेगा और ये उत्पाद बन जाएगा, तो जो मार्कोनी कॉब नियम से बिल्कुल हटके। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर वो ओपन चेन कंपाउंड है तो उसमें कोई हाइड्राइड माइग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, अगर है तो पहले वो कराओ। हाइड्राइड माइग्रेशन नहीं दिख रहा है तो मार्कोनी कॉब रूल लगाओ, जैसे ये है, और जब मार्कोनी कॉब रूल भी ना लगे तो फिर नॉर्मल योग करा दो। तो इस तरह से तभी आप उत्पाद पहचान सकते हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले आप इलेक्ट्रॉन स्नेही योग बनाओ, कार्बोकैटाइन बनाओ, फिर हाइड्राइड माइग्रेशन बन रहा हो, मतलब 2 डिग्री जो कार्बोकैटाइन या 1 डिग्री बना है वो 2 डिग्री में बदल सकता है या नहीं,
वो देखो, रिंग एक्सपांशन वाला अगर कोई रिंग वाला है तो रिंग एक्सपांशन भी देखना है, और इसके बाद फिर उत्पाद बना देना है। तो यहां तक बात क्लियर है। फिर एक और नियम होता है प्रति मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, या इसी को बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट या खरास प्रभाव। तो ये जो है, यदि विषमित एल्कीन, ये ध्यान रखें, पहली बात तो एल्कीन के लिए केवल HBr के योग के लिए दिया गया है, बाकी एल्कीन पर अदर जो है अभिकर्मक हैं उनका योग हम अलग से देखेंगे। अगर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, जैसे बेंजोइल परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड, एल्काइल परोक्साइड, किसी परोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसमें ये योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होगा। इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल या परोक्साइड प्रभाव। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं HBr का योग हो रहा है परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकोव रूल से अलग, मींस जो ब्रोमीन है वो देख रहे हैं उस कार्बन में डबली बॉन्डेड में जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। अब क्रियाविधि ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, ये क्यों बना है मुख्य उत्पाद, क्योंकि ये है परोक्साइड, जैसे ही लाइट पड़ी ये यहां से ब्रेक हो गया और इस तरह से ये बन गए हमारे एक प्रकार के कार्बोक्सी फ्री रेडिकल। फिर ये क्या करता है, HBr से H लेके और Br फ्री रेडिकल बनाएगा। अब Br फ्री रेडिकल यहां अटैक कर सकता है यहां, तो दो प्रकार के रेडिकल बन रहे हैं। अगर ये इधर अटैक करता है, देखो ये वाला, तो सेकेंडरी बन रहा है, और अगर इधर अटैक कर रहा है तो प्राइमरी, तो सेकेंडरी ज्यादा स्थायी है। और इसके बाद जब अगला HBr आएगा तो आप देख रहे हैं कि मुख्य उत्पाद वहां बना हुआ दिखाई दे रहा है जहां Br उस डबली बॉन्डेड कार्बन में जुड़ा दिख रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन इस तरह से बनेगा, और यही कारण है कि ये मुख्य उत्पाद बने। बात क्लियर है। तो इस तरह से दो प्रकार के उत्पाद संभव हो गए, लेकिन ये अधिक मात्रा में और ये अल्प मात्रा में बनेगा। एक पॉसिबिलिटी और है, ये दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ भी सकते हैं। मान लो वो HBr से अटैक करें, इससे पहले ये जो फ्री रेडिकल हैं ये इस तरह से जुड़ भी सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी और है बच्चों उत्पाद बनने की, देखो CH3, ठीक है, अगर हम ये कहें यहाँ पर Br, फिर CH2, एक CH2, CH, Br और CH3, तो फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जबकि दो कार्बोकैटायन रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, दो कार्बोनायन नहीं कर सकते, फ्री रेडिकल कर सकते हैं। इसलिए इनके कुछ साइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे भी पॉसिबल हैं। तो ये तो है ही दो, इनमें से ये मुख्य रहेगा, ठीक है। यदि यहां पर एक लाइन लिख दी है कि यदि HCl और HI को उपरोक्त परिस्थितियां, मतलब परोक्साइड की उपस्थिति में प्रयुक्त किया जाए तो मार्कोनिकोव रूल ही आपको यूज करना है बच्चों, मतलब उसमें मार्कोनिकोव रूल ही लगेगा। अगर आप HCl, HBr, सॉरी HI का योग जो है परोक्साइड की उपस्थिति में कर रहे हैं तो मार्कोनिकोव नियम से ही योग करेंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि HCl लिखा है, यहाँ परोक्साइड लिखा है, तो भी योग ऐसा ही होगा मार्कोनिक, केवल और केवल HBr में ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, क्योंकि HBr आसानी से फ्री रेडिकल बना देता है, HCl फ्री रेडिकल नहीं बनाता क्योंकि बहुत ज्यादा आयनिक है, और HI इसलिए नहीं बन करता है योग क्योंकि आयोडाइड बहुत ही लेजी टाइप का फ्री रेडिकल है, इसलिए HBr के लिए जो स्थितियां हैं बहुत ही उपयुक्त हो जाने के कारण ऐसा हुआ है। तो बात समझ गया, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल, इस तरह से योग बताना है। लास्ट में एक चीज और बता दूं, हैलोजनीकरण का त्रिविम रसायन, मतलब हैलोजनीकरण, हैलोजन तत्व का एल्कीन पर जो एंटी एडिशन विपरीत योग होता है, इसका मतलब समझ रहे बच्चों कि जब दो हैलोजन जुड़ते हैं डबल बॉन्ड पे तो वो दो विपरीत दिशाओं से जुड़ते हैं, एक तल के ऊपर से जुड़ रहा है तो एक तल के नीचे से जुड़ेगा। देखो इसका रीजन क्या है, जैसे ही ब्रोमीन अटैक करके एक कार्बोकैटाइन बनाएगा, मतलब जैसे यहां पर ब्रोमीन ने अटैक किया तो ये कार्बोकैटाइन बन गया, कैसा कार्बोकैटाइन बन गया, ये बना कार्बोकैटाइन, ठीक है, कि यहां पर ऐसे प्लस है और यहां पर जुड़ गया क्या बच्चों Br ऐसे, तो इसमें क्या होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहां देख के ये एक साइड को प्रोटेक्ट कर देता है, तो ये प्रोटेक्टेड साइड हो गई। अब अगला जो Br है, ठीक है, वहां से अटैक करेगा तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन से आएगा और इसीलिए Br उल्टा जुड़ा दिखाई देगा, इसे बोलते हैं एंटी एडिशन। बात समझ गए ना कि हैलोजनीकरण एक एंटी एडिशन है। आप HOCl, HOBr, है ना, ICl,
एनओसीएल इनका जो एडिशन होगा ना बच्चों वो हमेशा एनटी होगा। अब आता है कि एनटी होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहां लिखा है सिस एल्कीन एंटी एडिशन तो रैसमिक मिक्सचर बनता है और ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन है तो मीजो फॉर्म बनता है। समझ गए ना कि सिस एल्कीन एंटी एडिशन तो रैसमिक मतलब डी प्लस और एल माइनस का मिक्सचर, तो हम ऐसे लिखेंगे सी ए आर कार और टी ए एम, इस तरह से याद रखना है। अब पहले देखो कैसे याद रखना है कि पहले खाली जगह पर जोड़ना है और फिर किसी एक कार्बन को मोड़ना है। देखो जैसे ये सिस एल्कीन है, आपने दो बीआर जोड़ दिए खाली जगह पर, किसी एक कार्बन को मोड़ दो, ये रूप बन गया। एक इसका मिरर इमेज भी होगा इसलिए हम इसे बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर, मतलब इट्स मिरर इमेज। तो जब सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो ध्यान रखें रैसमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर आप ये ले रहे हैं, ये थी आपकी कौन सी सिस, अब आपने ली ट्रांस तो वही फिर यूज करो, खाली जगह पर जोड़ो तो एक बी आर इस खाली जगह पर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया और फिर एक को मोड़ दो तो दोनों बी आर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, मीजो फॉर्म बन जाएगा। तो टी ए एम सी ए आर, और जो जैसा जुड़ता है वैसा निकलता भी है बच्चों, मतलब ये है कि रैसमिक मिक्सचर डी या एल फॉर्म दिया गया है कोई डाई हैलोजन का और उसमें से अगर आप विलोपन कराएं दो बीआर तो पूछे कौन सी एल्कीन बन जाएगी, तो वो सिस बनेगी। जो जैसा जुड़ा है वैसा निकलेगा, मतलब सिस में एंटी एडिशन तो रैसमिक डी या एल बना और इन्हीं रैसमिक को आपको विलोपन दे दिया गया है, पूछ ले कौन सी एल्कीन बन जाएगी तो वो बन जाएगी सिस। ठीक इसी तरह से मीजो है, अगर उसमें विलोपन कराएं दो बीआर का तो ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो बिल्कुल उल्टा विलोपन रखना है, मतलब एम ए टी मीजो एंटी एलिमिनेशन और ट्रांस एल्कीन, हमेशा हैलोजन जैसा जुड़ता है वैसा निकलता, मतलब एंटी जुड़ा तो एंटी निकलेगा। ऐसे रैसमिक मिक्सचर मतलब डी या एल लिया गया हो एंटी एलिमिनेशन तो सिस बनेगा, ये हम एलिमिनेशन में भी पढ़ेंगे। इनका और बता दूं एच ओ एक्स एन ओ सी एल आई सी एल एस्टिक एसिड पर बेंजोइक एसिड पर फॉर्मिक एसिड, इनका भी एंटी एडिशन होता है और मार्कोनी कॉब रूल को फॉलो करता है। जैसे ये है HOCl, IUCl, NOCl, H2SO4, इनका आपको इसी तरह का एडिशन दिखाना है। तो आज के लिए हम इतना लेते हैं, बाकी एडिशन हम अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।